एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 है प्रेपरेशन ऑफ MS मीडिया यूजिंग स्टॉक सॉल्यूशंस। जैसे कि पहले प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमने MS मीडिया ही प्रिपेयर किया है, लेकिन वो सेल्फ प्रिपेयर्ड या रेडीमेड कमर्शियली अवेलेबल मीडिया को यूज़ करते हुए किए हैं। इसके अंदर हम लेबॉरेटरी से बेसिक सॉल्ट्स के मिक्सचर्स को लेंगे और उससे हम अपना MS मीडिया प्रिपेयर करेंगे। उन मिक्सचर को लेने के लिए हम 4 तरह के सॉल्यूशंस बनाएंगे जो कि हमारे स्टॉक सॉल्यूशंस होंगे। उनको 4 कंटेनर्स में स्टोर करेंगे। ये बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। स्टॉक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमारे वर्किंग सॉल्यूशन से 1000 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड होता है। स्टॉक सॉल्यूशन हम बनाते क्यों हैं? स्टॉक सॉल्यूशन इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा टाइम और स्पेस सेव हो सके। अगर हम लेबॉरेटरी में नंबर ऑफ केमिकल्स को यूज़ करते हुए रोज़ ये सॉल्यूशंस बनाएंगे किसी भी मीडिया प्रिपेयर करने के लिए, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और हमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। इसकी वजह से हम सारे केमिकल्स को मिक्स करके उन्हें कैटेगराइज करके स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख लेते हैं। इसके लिए हम 4 तरह के स्टॉक सॉल्यूशंस बनाएंगे, स्टॉक सॉल्यूशन ए, स्टॉक सॉल्यूशन बी, स्टॉक सॉल्यूशन सी, स्टॉक सॉल्यूशन डी एंड ई। पहला सॉल्यूशन हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का होगा। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्योंकि हमें बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशंस में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम उनको MGs में मेजर करके हम उनको एपेंडॉक्स ट्यूब में स्टोर कर लेंगे और फिर वहाँ से हम अपने मीडिया के अंदर ऐड करेंगे। दूसरे स्टॉक सॉल्यूशंस के लिए हम बनाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक स्टॉक सॉल्यूशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्टॉक सॉल्यूशन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के स्टॉक सॉल्यूशन। हार्मोन्स के स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें जो कंसंट्रेशन वर्किंग सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो है 0.5 mg पर लीटर इन 1 ml ऑफ मीडिया। क्योंकि यहाँ पर हम इसका स्टॉक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसलिए हमें रिक्वायर्ड होगा 1000 टाइम मोर कंसंट्रेटेड, तो ये आ जाएगा 500 mg पर लीटर। और इसको हम 500 mg को मेजर करके 1 ml में डिसॉल्व करेंगे। इसी तरह से नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के भी 500 mg को मेजर करेंगे और 1 ml में स्टॉक सॉल्यूशन बना के प्रिजर्व कर लेंगे। काइनेटिन के लिए क्योंकि वो ज़्यादा स्मॉल कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होता है, वर्किंग सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन है 0.05 mg, तो इसके लिए हमें 50 mg पर लीटर रिक्वायर्ड होगा जो कि हम 1 ml में डिसॉल्व करेंगे। स्टॉक सॉल्यूशन ए के लिए जो हमें केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, मोनोबेसिक। इनकी कंसंट्रेशन लीटर में और 500 ml में स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन बी के लिए हमें रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट। स्टॉक सॉल्यूशन सी के लिए जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड और क्यूप्रिक सल्फेट, मोलिब्डिक एसिड, कोबाल्ट क्लोराइड। स्टॉक सॉल्यूशन डी के लिए सोडियम EDTA और फेरस सल्फेट। स्टॉक सॉल्यूशन ई के लिए ग्लाइसिन, निकोटिनिक एसिड, थायमिन HCl, पाइरोक्सिडीन, मायोइनोक्सिटोल। जितने भी केमिकल्स हमने अपनी लिस्ट में देखे हैं उनको हम 1 by 1 वे करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड से। हमारी रेसिपी के अकॉर्डिंग 2.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है 5 ml मीडिया के लिए। जितने भी केमिकल्स की लिस्ट हमने अपनी स्क्रीन पे देखी उनको हम प्री वे कर चुके हैं।
इसके बाद हम अपना स्टॉक सॉल्यूशन ए के केमिकल्स स्टॉक सॉल्यूशन ए वाली बॉटल में डालेंगे। इसमें ऑलरेडी 500 ml डिस्टिल्ड वाटर मेजर कर चुकी हूँ मैं। वन बाय वन हम अपने केमिकल्स डालते जाएंगे और उनको डिसॉल्व करते जाएंगे। ग्लास स्टिरर की हेल्प से हम अपने केमिकल रिएजेंट्स को अंदर मिक्स करेंगे। सिमिलरली हमारा सेकेंड रिएजेंट। स्टॉक सॉल्यूशन ए की तरह हमने अपने बाकी स्टॉक्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं और इनके अंदर सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स मिक्स कर दिए हैं। स्टॉक सॉल्यूशन ई क्योंकि बहुत ही स्मॉल कंसेंट्रेशंस में रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये प्लांट हॉर्मोन्स हैं, तो हमने इनको 1 ml में इनके स्टॉक्स प्रिपेयर किए हैं। 1 ml को हम ऐड कर देंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। ये इंडोल एसिटिक एसिड, सिमिलरली नैफ्थलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D और काइनेटिन। यूज़ करने से पहले प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स को हम रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में ही रखते हैं। अब हम अपने स्टॉक सॉल्यूशन ए बी और सी में से 100 ml मेजर करेंगे और वर्किंग मीडिया के अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है। मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए हम अपने स्टॉक सॉल्यूशन को मेजर करेंगे। और वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। स्टॉक सॉल्यूशन डी से हम 10 ml लेंगे। और जो ई सॉल्यूशंस हमने प्रिपेयर किए हैं प्लांट हार्मोन के, उनको विद द हेल्प ऑफ पाइपेट हम अपने वर्किंग मीडिया सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे।
जेंटली मीडिया को मिक्स करेंगे। स्टॉक सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए हमने ये मीडिया प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसकी पीएच को मेंटेन करेंगे 5.5 तक बाय यूजिंग एसिड और बेस। ये मीडिया क्योंकि हमने प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में इस्तेमाल करना है और प्लांट के लिए ज़रूरी होता है कि वो 5.7 पीएच पे अपने न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है, तो हमने इसकी पीएच को एसिड और बेस ऐड करते हुए 5.7 पे सेट करना है। हमारे मीडिया की पीएच इस वक्त 6.6 है। प्लांट के क्योंकि ये मीडिया हमने प्लांट कल्चर के लिए यूज़ करना है और प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अपटेक 5.7 पीएच के अराउंड करते हैं, तो हमने एसिड को यूज़ करते हुए इसकी पीएच को 5.7 पर लेके जाना है। हमारे पास अपना मीडिया प्रिपेयर हो चुका है जो कि एक ब्रॉथ के फॉर्म में है। अगर हम इसे सॉलिडिफाई करना चाहते हैं और इससे एगर प्लेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर एगर ऐड करेंगे। एगर ऐड करने के बाद हम अपने मीडिया को ऑटोक्लेविंग के लिए रख देंगे एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 20 मिनट्स। उसके बाद हम मीडिया को जैसे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में लैमिनर एयर फ्लो के अंदर पेटर डिशेज में पोर किया, सेम प्रोसीजर से पोर करेंगे। अपनी पेटर डिशेज को सॉलिडिफाई होने के बाद इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 आवर्स और फिर उन्हें फर्दर टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लेंगे।